और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1953 में आज पहली बार वैज्ञानिकों ने जीवन के राज खोले थे। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिकों जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। इस लेख में पहली बार दुनिया के सामने वो सिद्धांत रखे गए जिनसे ये पता चला कि हर जीव में किसी न किसी रूप में जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी उत्पत्ति से संबंधित जानकारी मौजूद होती है और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं यानी आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने डीएनए का जिक्र भी किया था। ये ऐतिहासिक खोज जेनेटिक्स की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसकी मदद से वैज्ञानिक आगे चलकर जेनेटिक कोड को भी समझ पाए। आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। पूरी दुनिया में इस दिन मलेरिया की रोकथाम और उसके इलाज के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, उनमें जागरूकता पैदा की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2016 में दुनिया भर में मलेरिया के 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नए केसेस पाए गए थे। मलेरिया के मरीज 90 से भी ज्यादा देशों में हैं और हर साल इस बीमारी से औसतन 7 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं। और वर्ष 1982 में आज ही के दिन दूरदर्शन ने देश में पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत की थी। दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण को शुरू करने के 6 महीने के अंदर ही सरकार ने 50,000 टेलीविजन सेट्स विदेश से मंगवाए थे। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वर्ष 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और झूठी खबरों और झूठे संतों से हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार।